हेलो दोस्तों, नमस्कार। अड्डा 24 में आपका स्वागत है। आज फिर से आ गया हूँ कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। बिहार सरकार की कुछ नई भर्तियाँ हैं और कुछ अन्य भी विशेष बातें हैं जिनसे संबंधित आपको जानकारी देना ज़रूरी है। ये देखिए, आपके लिए चार जानकारी है यहाँ पर। ये चार जानकारी है, इन चार जानकारियों के बारे में चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है पहली जानकारी, ये है हमारे चाचा। और कल इन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी और इस बैठक में इन्होंने बिहार पुलिस सिपाही जो होते हैं अपने कांस्टेबल, उनके सिलेबस में बदलाव कर दिया है। सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने किया क्या है कि ये 100 नंबर की जो होती है वो तो होगी ही, जैसे पहले भी होती थी, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि सभी बड़ी बात यहाँ पर है, जो ये अभी पाठ्यक्रम है ये 10th लेवल की कर दी जा चुकी है। पहले ये पाठ्यक्रम जो थी ये आपका इंटर स्तरीय था और अब इसको 10th लेवल पे कर दिया गया। यहाँ दे सकते हैं, ये मैट्रिक लेवल पे इसको बनाया गया है। तो मैट्रिक लेवल का मतलब ये है कि जैसे आप अन्य परीक्षाएं देते हैं, जितने भी दरोगा की परीक्षा देते हैं, बिहार में BSSC की परीक्षा देते हैं, वैसा ही इसमें प्रश्न अब आएगा। क्योंकि पहले जो आता था वो तो दिमाग के ऊपर से ही जाता था कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम में, तो अब इसका जो सिलेबस है इसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति, जिसे हम लोग आपका इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, वो सब कुछ इसमें। और सबसे बड़ी बात कि समसामयिक की करंट अफेयर को भी ऐड कर दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि इंटर लेवल पे जो प्रश्न आते थे वो बहुत ही हलूदा टाइप के होते थे, जो समझ में कुछ बहुत लोगों को नहीं आते थे। तो ये जिस हिसाब से जॉब है, जिस पोजिशन की, तो वैसा प्रश्न अब आएगा। ये हो गई आपकी ये जानकारी। और अब आपको आखिरी जानकारी फिर से देते हैं। ये है आपकी दूसरी जानकारी, तकनीकी संस्थान में जल्द होंगे 2451 पद पर बहाली। ये तकनीकी संस्थान क्या है, तो इसको BSTC बोला जाता है कि BTSC बोला जाता है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। और ये भर्तियां अभी जो है ये BSSC के थ्रू आ रही हैं, और हो सकता है मे बी कि ये भर्तियां आपका इंटर स्तरीय हो सकती है। कल मैंने आपको ग्रेजुएशन लेवल का दिखाया था, परसों मैंने आपको 10th का दिखाया था, और आज ये हो सकता है कि ये 10th लेवल की है, और सॉरी 12th लेवल की और वैकेंसियाँ हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये तकनीकी संस्थान, हो सकता है कि इसमें आपसे कुछ डिग्री मांग लिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि ITI, डिप्लोमा वगैरह, पॉलिटेक्निक जिसे कहते हैं, वगैरह वगैरह मांग लें, लेकिन इसको लेगा तो BSSC ही लेगा, क्योंकि ये तकनीकी संस्थान टेक्निकल वाला है। आगे बात करते हैं, आगे और कुछ जानकारी आपके लिए। इस जानकारी को मैंने इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि ये भी आपके सरकारी जॉब में बहुत बड़ा फैक्टर है कि OBC जो क्रीमी लेयर होते हैं उनकी जो आय सीमा है, उनकी जो इनकम होती है, वो 12 लाख करने का जो प्रस्ताव कर दिया गया है। पहले वो 8 लाख थी, और जिनका भी 8 लाख से ऊपर हुआ करता था तो उनका नॉन क्रीमी लेयर ना होकर क्रीमी लेयर बना दिया जाता था, जिनसे उनको आरक्षण में लाभ नहीं प्राप्त हो पाता था। तो अब ये OBC का जो क्रीमी लेयर है इसको 12 लाख किया जा रहा है, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे भी न्यूज़ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ये भी जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये इंटर स्तरीय हो सकती है। नगर निकाय में होगी 5,500 से अधिक बहाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार सरकार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के कवायद शुरू हो चुकी है, और ये 117 नए नगर निकाय जो है उसका गठन किया गया है, जिसमें ये 5,500 के आसपास वैकेंसियाँ आ रही है। 5,500 यहाँ, और पीछे मैंने जो दिखाया 2,500 के आसपास वहाँ पे, तो मैंने बताया था कि 10,000 के आसपास में इंटर स्तरीय भर्तियाँ आ रही हैं, जिसमें से ये 7,000-8,000 आपको तो शो हो चुकी है यहीं पर ही। तो जो मैंने बोला था वो एकदम सही सही होते जा रहा है, और आपको तैयारी करना है और कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। बस ये आज की चार जानकारी थी, और आप तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद हमारे साथ बने के लिए। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए प्लीज़, बहुत आपकी कृपा होगी।